हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी लेखपाल की जो रिवाइज आंसर की आई है उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है एस्पिरेंट को कि कितनी कट ऑफ जाएगी। कुछ लोग अभी भी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी कि 80 प्लस वाले जो बंदे हैं, जो एस्पिरेंट हैं और कट ऑफ बताने वाले थे, वो बिल्कुल अब इस समय गायब हो चुके हैं। 80 प्लस किसी के मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के नहीं बन रहे, हो सकता है एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। हो सकता है 100 लोगों के हों, 200 के हों, 300 के हों, 400 के हों, 500 के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए 80 मार्क्स आए नहीं है। कट वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी का हम इसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे कि जनरल में कितनी वैकेंसी है, OBC में कितनी वैकेंसी है। इसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको हमारे इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए, दो तीन क्वेरीज हैं, मैं क्वेरी का जवाब दे देता हूँ कि इन्होंने बुलाया कि प्रशांत जी हैं, इन्होंने कहा कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ और EWS में कोई चांस है? बिल्कुल चांस है। EWS के और फ्रीडम फाइटर में चांस पूरा पूरा है आपका। आप DV के लिए 100% सेलेक्ट हो जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो ये निश्चिंत रहिए, फाइनल के लिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फाइनल में भी आपको बताऊँगा फाइनल कट ऑफ कितने पर जा सकती है। इन्होंने बोला है कि एक अभिजीत जी, इन्होंने कहा है कि 75.25 OBC में मार्क्स निकले, फाइनल में होगा कि नहीं होगा? तो चांस हैं, पॉसिबल है, अभी देखते हैं। मैं आपको पूरा डिस्कशन बताऊंगा आंसर की इसके पूरा इस चीज़ के बारे में, तो आप इसके बारे में देखना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 75 पर आपके फाइनल में सेलेक्ट होने के पूरे चांस हैं OBC में, और कारण क्या क्या हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि क्यों आप सेलेक्ट हो सकते हो। दो ये लास्ट और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि एक बंदा और ये कह रहा है कि इतना कम मत बताओ कि SC कैटेगरी में 72.5 मार्क्स हैं फिर भी चांस बहुत कम है। अब भाई, अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? शक का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, आप जानते हैं। शक ने तो बहुत लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका चांस बिल्कुल है पूरा 72 पर, अगर आपके ऑफिशियल रिवाइज आंसर की से बन रहे हैं तो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। कोई आपका डाउट है तो आप यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं हमसे। तो ये आंसर की है रिवाइज आंसर की। आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। एक क्वेश्चन जैसे फुल मार्क्स मिले हैं, जीवनपति वाला है पूरे मार्क्स मिले हैं इसके ऊपर, और ये है कि विंध्याचल पर्वत वाला, इस पर बी आंसर माना गया था, पहले डी था इसका। इसके बाद 69, इसमें ये कहा था कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया UP में कौन सा नहीं है, कौन सा है इस तरह से है, तो उसमें कौन सा नहीं है, तो वो डी है इसमें उसका आंसर, उसमें से कोई नहीं है। तो ये देख सकते हैं। अब कट ऑफ के बारे में हम देखते हैं कि कट ऑफ 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी। अब आपको मैं पहले बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। कैटेगरी वाइज आप देखिए और ध्यान से इस एनालिसिस को अच्छे से देखिए कि आपको पता चल जाएगा कट ऑफ क्यों कम जाएगी। 3271 वैकेंसी है जनरल के अंदर, और OBC के अंदर 2174, SC के अंदर 1690, EWS के अंदर 780, ST कैटेगरी के अंदर 152 और फिजिकली चैलेंज के अंदर 300। इस प्रकार से टोटल बनती है 8085। अब जो लोग 80 प्लस बता रहे थे ना, हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा 80 प्लस किसी के नहीं आएंगे, 80 प्लस हो सकता है 100 लोगों के हो, 200 के हो सकते हैं, 300 के हो सकते हैं। हम मानते हैं कि यूपी में टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि आपके आसपास कितने हैं और कितने ऐसे लोग हैं। मुझे तो ऐसे कोई मिला नहीं। मैंने सुबह भी एक मॉर्निंग में वीडियो बनाया था, उसमें 72 लोगों ने मेरा कमेंट किया था उस वीडियो पर, तो 72 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे मिले थे जिनके 80 प्लस मार्क्स थे। एक 80 बता रहा था और एक 80 पॉइंट समथिंग बता रहा था। इसके बाद मुझे किसी के 80 प्लस मार्क्स मिले ही नहीं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं। यूट्यूब चैनल अभी मेरा भले ही नया है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिला हुआ हूँ जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया है। रिवाइज आंसर के आने के बाद 80 प्लस मुझे एक भी नहीं मिला है। हाँ, बस 2-3 लोगों ने कमेंट ज़रूर किया, लेकिन मिला मुझे पर्सनली कोई है नहीं अभी तक। तो ये आप देख लेना, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि EWS के अंदर इतनी वैकेंसी है जितनी आपकी लोअर के अंदर भी नहीं थी।
टोटल लोअर के अंदर। फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का अभी कुछ दिन पहले, उसके अंदर टोटल 655 वैकेंसी थी, इतनी 798 वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर है तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाला है आपके कट ऑफ के ऊपर। अब बात करते हैं पैट से हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसी तरीके से कि जब पैट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि 75+ पर कट ऑफ जाएगी, 70+ पर कट ऑफ जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि हमारे 75+ मार्क्स आ रहे, 70+ मार्क्स आ रहे, लेकिन ये भी आपने नोटिस किया क्योंकि जिन्होंने 75+ या 70+ मार्क्स बताए थे वो लेखपाल के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे। जबकि आपको पता है कि लेखपाल के लिए 62 मार्क्स की ज़रूरत थी। तो ये जो लोगों ने एक भ्रम फैलाया हुआ ना, वो भ्रम अब कुछ दिनों में टूट जाएगा, अभी आप लोग देख रहे हैं चीज़ को। तो इसके बाद अब तीसरा कारण है स्कैम संबंधित जो जो इश्यूज हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एसटीएफ ने ये कहा है कि नकल हुई है लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है, नकल हुई है, जिन लोगों ने नकल की है उनको हमने पकड़ लिया है, ऐसा इन्होंने बोला है। एक चीज़ मैं और आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्लासरूम में बहुत नकल हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी इस चीज़ को जानते हो कि लेट अस सपोज ए बी और सी डी एक क्लास में बैठे हुए हैं तो ये एक दूसरे को बता रहे हैं, तो पहले तो ये अपना पेपर ही पूरा कर ले, इस चीज़ को समझिए आप। और पेपर ही पूरा करने के बाद क्या इस चीज़ की गारंटी है कि ए बी को सही बताए या बी सी को सही बताए, सी डी को सही बताए, ये एक दूसरे को सही बताए, ये कोई रिश्तेदार तो है नहीं आपस में एक दूसरे के। तो ये भी बहुत कुछ चलता है इस तरह के एग्ज़ाम में, तो इस पर आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि नकल हुई है तो क्या प्रशासन ने बिल्कुल सोया हुआ था बिल्कुल पूरी तरीके से, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत 150 लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ जाए, लेकिन इतना इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा जितना लोग कह रहे हैं। लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 8085 वैकेंसी हैं, इसीलिए इस पर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ यूपीएसआई से, यूपीएसआई का लोग कह रहे थे कि यूपीएसआई में 9,500 के आसपास कर वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई। उसका सबसे बड़ा कारण था नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि उसमें 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था और कुछ शिफ्ट में पेपर बहुत आसान था, कुछ में पेपर टफ था। जिसमें आसान पेपर था, चाहे आप फुल बटा फुल कर लो, फिर भी आपके बहुत मार्क्स घट रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका जिस शिफ्ट में पेपर कठिन था उसमें आपके कम मार्क्स भी आ रहे थे ना, तो भी आप पास कर रहे थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एसएससी सीजीएल में, एक 2-3 साल पहले एक एस्पिरेंट था जिसने मेंस के अंदर मैथ में 200 में से 200 मार्क्स लेके आया था वो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसके मार्क्स डिक्रीज हो गए थे और उसका फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे सवाल उठे थे। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, आप सबके सामने है चीज़ें, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब बात हम एक और भी दूसरा कर लेते हैं पेपर का पैटर्न के बारे में। पेपर का पैटर्न में आपको पता है हिंदी था और मैथ था और जीएस था एंड ग्रामीण प्रवेश था, ये पैटर्न था। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो 20 से 22 आप कर लोगे, मैं ये कह रहा हूँ एक्सीलेंट लेवल की आपकी जिंदगी वो है हिंदी। हो सकता है कि तो ऊपर नीचे भी आ रहे हो, किसी के 21 भी आ रहे हो, किसी को 23 भी आ रहे हो, लेकिन अगर किसी के 23 मार्क्स हिंदी में आ रहे होंगे तो वो 20 मार्क्स मैथ में नहीं ला सकता, क्योंकि आप सारे की सभी एस्पिरेंट के एक जैसे सब्जेक्ट नहीं होते। किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का ग्रामीण प्रवेश अच्छा होता है, किसी की जीएस अच्छी होती है। अगर जीएस और ग्रामीण प्रवेश अगर आपकी बहुत अच्छी भी है ना, तो अगर आपके 18 से 20 को मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काट के, तो समझ लेना बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके ये। तो इसी प्रकार से जो आपकी कट ऑफ बनेगी, मेरे हिसाब से मैं वही आपको एनालिसिस कर रहा हूँ कट ऑफ के बारे में। ये कैटेगरी वाइज हमने वैकेंसी को डिस्कस कर दिया है, अब ये कट ऑफ है जनरल और ओबीसी की, ये डीवी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस बात को। डीवी के लिए कट ऑफ है 70 से 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 से 70 के बीच में, एससी कैटेगरी के लिए 62 से 65 के बीच में, और एसटी कैटेगरी के लिए 57 से लेकर 60 के बीच में। डीवी के लिए अब बात हम फाइनल की कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल की कट ऑफ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। फाइनल की कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, हो सकता है कि 2 नंबर बढ़े, हो सकता है 3 नंबर बढ़े, हो सकता है 1-2 नंबर डिक्रीज भी हो जाए,
इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी जो वैकेंसी है क्लियर हो जाएंगी। जैसे NTPC, जिन लोग बहुत लोग मुझे ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन्होंने NTPC के सभी लेवल पास कर लिए थे, वो लेखपाल के लिए भी पेपर देने गए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस एस्पिरेंट ने NTPC का 5-6 ये लेवल के एग्ज़ाम पास किए हैं वो लोग लेखपाल में अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। जिन लोगों ने ये बता रहे हैं ना कि मैथ में हम 22-23-24-25 में तो 25 करके आए, तो उन लोगों की हिंदी अच्छी नहीं हुई है, उनका ग्रेजुएट अच्छा नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे ओवरऑल चीज़ें हैं। तो NTPC वाले कि अभी रिजल्ट आ गया है कुछ का, तो कुछ का आ जाएगा। लोअर का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। RO AR O की किसी भी दिन आपकी जो UPPCS का RO AR O है किसी भी दिन उसकी टाइपिंग के लिए बुलावा आ सकता है। अक्टूबर में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो इस तरीके जो और भी वैकेंसी है, UPSI के लिए अभी आपके बुलावा आ सकता है किसी भी दिन मेडिकल के लिए। तो जो उसमें से 9000 के आसपास कर एस्पिरेंट थे जिनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी, उन बहुत सारे लोगों में से 9000 में से लेखपाल का पेपर दिया है, वो लोग कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। कोई भी ज्वाइन ना DB के लिए नहीं जाएगा लेखपाल के लिए, क्योंकि लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो 2000 का, एक चपरासी लेवल का ग्रेड पे, इसका ज़्यादा ग्रेड पे नहीं है, चपरासी का 1800 ग्रेड पे होता है। ये मेरी तरफ से इसका एनालिसिस था। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो गाइज हमें आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।